Welcome student, come to the last page, page number 5, caring for neighborhood. एक neighborhood के लिए हम लोग कैसे neighbors के लिए कैसे caring करेंगे. Most people keep their own homes neat and tidy from inside, but do not hesitate to throw the garbage on the street. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, most people keep their own house, अपने घर को तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, neat and clean and tidy रखते हैं inside, but क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा सा भी नहीं सोचते हैं कि जो ये अपना जो सब कचरा है कहाँ फेंकेंगे वो लोग. एंड डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज, जो घर का जो जितना गार्बेज था उसको क्या करते हैं वो लोग, रोड पे और या अंदर स्ट्रीट फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, थोड़ा सा भी वो हेजिटेट नहीं करते हैं. एंड इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट एंड इफ एवरी वन एक्टेड इन दिस मैनर. चलो ठीक है, आप फेंक दिए, हर कोई अगर ऐसे ही सोचेंगे कि अपना घर को साफ रखेंगे और टोटल अपना जितना भी गार्बेज है रोड पे छोड़ देंगे और स्ट्रीट पे फेंक देंगे तो क्या होगा, बाहर गंदा हो जाएगा, वही गंदगी फिर फैलेगा, अपने घर पर आएगा. सो ये जो है ये गलत सोच है. वी मस्ट कीप द सेम क्लीनलीनेस, ये जो क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड अपने घर का जो क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड कर रहे हैं, घर को अपना नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, टेडी रख रहे हैं, सो दैट वी शुड मेंटेन ऑल दिस थिंग्स आउटसाइड ऑल्सो आवर सराउंडिंग स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग्स दैट वी कीप फॉर आवर हाउस. तो हमारे घर के अंदर बस साफ रखना नहीं, इससे कुछ हम लोग ईजिली सेफ नहीं हो जाएंगे, और उससे साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो सराउंडिंग है और के आउटसाइड को भी हम लोग को नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा. ए क्लीन नेबरहुड एंड डजंट हैव गार्बेज हीप्स, क्लीन नेबरहुड कैसे बनेगा, गार्बेज हीप्स बाहर नहीं रहेगा आप, सो दैट फ्लाइज मस्किटोज अनप्लीजेंट स्मेल ये सब हमारे चारों ओर नहीं रहना चाहिए. अगर घर से निकाल के हम लोग टोटल गार्बेज को बाहर रख देंगे, बाहर आप गार्बेज का हीप्स हो जाएगा, वहाँ से मक्खी मस्किटोज ये सब पाएंगे, देन अनप्लीजेंट स्मेल आएगा, घर अपने घर पे भी आएगा ना हवा में उड़ के. सो दैट ये सब बाहर भी नहीं होना चाहिए, अपने घर के साथ साथ बाहर का जो सराउंडिंग है उसको भी हम लोग नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा. ओके, ये स्टूडेंट के लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए है, आपको भी सीखना पड़ेगा ये सब नीट एंड क्लीन कैसे रखना है, अपने घर के साथ साथ बाहर के परिवेश को भी, सराउंडिंग को. दैट एज ए गुड नेबर, एज ए नेट गुड नेबर हम लोग क्या करेंगे, वी हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस क्वेश्चन ऑल्सो अराइज हियर एंड क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को, ये क्वेश्चन आएगा. एंड वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो, और क्या क्या पॉइंट है, यह खाली नीट एंड क्लीन गार्बेज से रिलेटेड नहीं है. वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो, हमारे जो रेडियो और टेलीविजन के साउंड को भी कम करना चाहिए, स्पेशली एट नाइट, स्पेशली रात में साउंड कम करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज नॉइजी इक्विपमेंट रात में नहीं चलाना चाहिए, लाइक वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर वॉशिंग मशीन से बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, तो ये सब रात में यूज नहीं करना चाहिए. और वी मस्ट इन्फॉर्म अवर नेबर्स इन एडवांस इफ यू आर हियर हैविंग ए पार्टी, अगर हम लोग कोई पार्टी मना रहे हैं उस टाइम बॉक्स बजेगा, डीजे बजेगा, साउंड ज़्यादा होगा, नॉइज भी हो सकता है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, वी मस्ट इन्फॉर्म अवर नेबर्स, नेबर्स को पहले से बता देंगे, ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए कारपूल दिस कारपूल विथ नेबर्स एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली, सो दैट कारपूल बनाएंगे, जो पार्किंग प्लेस है उसको भी स्पेस पीसफुली हम लोग मेंटेन करेंगे, शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली, जो पार्किंग स्पेस है कार के लिए या फिर व्हीकल्स के लिए, वहाँ हम लोग आराम से उसको एक जगह को स्पेस को शेयर करेंगे. एंड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, हम लोग हमेशा रेडी रहना चाहिए, वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प अवर नेबर्स, हमारे नेबर्स जो हैं पड़ोस हैं, उन पड़ोसी हैं, उनको हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए, किस टाइम पे, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होता है तुरंत उस टाइम पे हम लोग उनको हेल्प करना चाहिए, जिस टाइप का ज़रूरत भी उनको चाहिए, क्योंकि हम लोग भी करेंगे तो वो लोग भी हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि नीट केयर एंड शेयरिंग, वी लर्न केयरिंग एंड शेयरिंग इन दिस चैप्टर एंड हाउ टू केयर एंड शेयर एवरीथिंग विथ आवर नेबर्स. एंड देन डू यू नो लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारे जैसे ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, ये लोग भी कैसे एक कॉलोनी पे रहते हैं, या फिर हाउ वो लोग का भी सोसाइटी कैसे होता है, और एक केयरिंग और शेयरिंग कैसे वहाँ मेंटेन होता है, इसके बारे में यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है. एंड आंट्स एंड बीस, आंट और बीस भी ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज, वो लोग भी अपना कॉलोनी पे रहते हैं, सोसाइटी पे रहते हैं, दे वर्क कलेक्टिवली एज ए सोशल यूनिट, सोशल यूनिट जैसे हम लोग जैसे काम करते हैं, ये लोग भी कलेक्टिवली काम करते हैं, दे डिवाइड देयर वर्क,
वो लोग अपना अपना काम को डिवाइड करते हैं बिटवीन फीमेल एंड मेल वर्कर्स, मेल और फीमेल वर्कर्स बीच में डिवाइड करते हैं एंड द कॉइन, ये लोग काम को मिल बांट के करते हैं। जैसे हम लोग सोसाइटी पे हर काम को डिवाइड करके ही करते हैं, ये लोग के भी ऐसे होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, इट इज़ कम्प्लीट, दिस चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।